न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। अब इसे प्रशासनिक सुस्ती कहें या फिर कुछ और, रेवाड़ी जिला में अनेक ऐसे धंधे हैं जो बिना ही परमिशन के धड़ल्ले से चल रहे हैं। इन पर कार्रवाई करने की जरूरत है। इसी के चलते ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं रेवाड़ी जिला के गांव रालियावास स्थित एक बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर के गोडाउन की हैं, जहां अवैध रूप से माइनिंग का काम चल रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने यहां पर रेड की तो उपस्थित स्टाफ मटेरियल के उचित दस्तावेज तक पेश नहीं कर पाया। इस पर कार्रवाई करते हुए सीएम फ्लाइंग की टीम ने रिपोर्ट संबंधित विभाग को भेज दी है, जिस पर नियमानुसार कार्रवाई करने की बात यहां डीएसपी की तरफ से कही जा रही है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से यह बिल्डिंग मटेरियल की सप्लाई का एक गोडाउन धड़ल्ले से चल रहा है, जिस पर शायद आज तक प्रशासन की नज़र नहीं पड़ी और आखिरकार गुप्त सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने ही यह रेड कर यह बड़ी कार्रवाई की है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता रेवाड़ी की टीम के द्वारा एक गुप्त सूचना के आधार पर आज थाना धारवेड़ा के एरिया में रालियावास स्थित एक स्टॉक के ऊपर जब माइनिंग विभाग और स्थानीय पुलिस के साथ जब रेड की तो वहाँ पर लगभग 100 मीट्रिक टन जो क्रशर, लगभग 150 मीट्रिक टन यमुना रेती और लगभग 40 मीट्रिक टन रोड़ी और ये सब जब वहाँ पर पाई गई तो वहाँ क्योंकि जो मालिक था उनसे जब संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि मैं तो गुड़गांवा हूँ, तो उनके पास ना कोई पेपर था जो वहाँ स्टाफ था उनके पास, ना कोई अन्य दस्तावेज था। इसके आधार पर माइनिंग विभाग के द्वारा उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है और रिपीट रिपोर्ट जो है उच्च अधिकारियों को भेजी जा रही है।